जिस राज्य में महज 15 रुपए ना देने पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता हो, क्या वही नीतीश कुमार का सुशासन राज है? जहां लोग अवैध तरीके से सड़कों पर बैरियर के नाम पर दिन दहाड़े रंगदारी वसूलते हैं, क्या वही नीतीश कुमार का सुशासन है? अगर यही 17 सालों से सत्ता में बैठे नीतीश कुमार का सुशासन है तो नहीं चाहिए ऐसा सुशासन जहां महज 15 रुपए के लिए एक ई रिक्शा चालक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता हो, एक महिला का सुहाग उजाड़ दिया जाता हो, एक बहन से भाई और एक माँ से बेटा छीन लिया जाता हो। रखिए ऐसे सुशासन को सुशासन बाबू अपनी जेब में, हमें नहीं चाहिए ऐसा सुशासन। बिहार के बेगूसराय में एक ई रिक्शा चालक को सड़क पर बैरियर के नाम पर रंगदारी वसूल रहे गुंडों ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ई रिक्शा चालक का कसूर बस इतना था कि उसने इस अवैध वसूली का विरोध किया और पैसे देने से मना कर दिया, तो पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जामे के रिक्शा वाला को मार दिया, रिक्शे वाले को मार दिया, बैरियल वाला, बैरियल नहीं, क्या मांग है आपका? बैरियल नहीं जो उसके लिए मार दिया। मृतक ई रिक्शा चालक का नाम संजय सोनी था और दहार मारते ये संजय सोनी के परिजन हैं। इन तड़पती तस्वीरों का गुनहगार जितने पिटाई करने वाले गुंडे हैं उससे कहीं ज्यादा बेगूसराय प्रशासन है, जो बार बार लगातार इस अवैध वसूली की शिकायत पर भी चुप्पी साधे रहा, मौन रहा, पर कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो आज संजय सोनी जिंदा होता। हम जानते हैं कि इस गुनाह में शामिल सभी गुनहगार जल्द सलाखों के पीछे होंगे, पर बड़ा सवाल यह है कि प्रशासनिक लापरवाही से घटी इस घटना में पीड़ित की पत्नी को कोई पति लौटा सकता है? एक बहन को भाई और एक माँ को बेटा लौटा सकता है प्रशासन? अगर नहीं तो कैसे इतने लाशों का बोझ लिए बेगूसराय प्रशासन जी रहा है, जरा सोचिएगा। जीवेश तरुण, न्यूज़ लाइफ, बेगूसराय।